अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। नया साल मुबारक हो। और हम आज बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, और इसी सिलसिले में हमने दावत दी है हमारे बहुत ख़ास मेहमान जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज़ चौहान, जो चेयरमैन हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। 2015 में ये इदारा वजूद में आया और अब ये पूरे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से तहकीक भी करता है, कार्रवाइयाँ भी करता है और शिकायात भी सुनता है। जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज़ चौहान, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जस्टिस साहब, प्रोग्राम के शुरू में तो हम बहुत सी बातें कर सकते हैं कानून के बारे में और इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के बारे में, मगर हमारे साथ एक टेलीफोन लाइन पे एक ऐसा शख्स है जो इंतज़ार नहीं कर सकता हमारी फॉर्मेलिटीज़ की और हमारे तारफ़ की। तो मैं चाहूँगा कि हम सबसे पहले चलते हैं टेलीफोन लाइन पर, जहाँ पे मोहम्मद जान एक कैदी हैं, एक प्रिजनर हैं, लोअर दीर से इनका ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट जेल तिमारगरा में। टेलीफोन लाइन पे हमें बराह रास्त वो सूरत हाल बता रहे हैं कि जेल की क्या सूरत हाल है। मोहम्मद जान, आप पहले ये बताएं कि जेल के अंदर क्या हो रहा है और क्या मुश्किलात हैं आपको जेल में? तो सर, तो ये तो अंधेरा है, ये तो तशद्दुद का निशाना है। सब जो है लाठी ले रहे हैं और आदमियों को मार रहे हैं। उनका राशन भी सही नहीं है, उनका हॉस्पिटल का प्रोग्राम सही नहीं है। वो जो है डंडा चला रहा है, रिश्वत ले रही है। मतलब ये है कि कोई मरीजों का इंतजाम नहीं है। मेंटल भी आ रही है, जो पहले अस्पताल इसने किराया भी दिया था 10,000 रुपए पे, वो अभी कंट्रोल हुआ है, तो अभी इनके पास चेक है, वो किराए पे दिया है। अच्छा, नहीं और... तो आपके आपके सेहत की जो सहूलियात हैं और खाने का क्या मायार है और कौन लोग आप पे तशद्दुद करते हैं? ये जो है पुलिस कर रहा है सर, दिल और लोकल पुलिस जो है। मैं सोया था 2 साल पहले और नींद से उठाया और जब बाहर में गया, मुझे बोला कि आपको बुला रहे। मैं जब बाहर गया तो पुलिस थी, तो पुलिस ने हमको ताने ले गया। वो सैदगला हवलदार था और उस्मान था, तो हमको ताने ले गया और हमसे 30,000 रुपया और एक मोबाइल बरामद किया। तो उनसे वो हमसे ले लिया और फिर मुंशियात का पर्चा बनाया हमारे ऊपर, वो केस बनाया। तो उसमें मैं जेल आया, जेल से तकरीबन 1 महीने के बाद हम जमानत पर निकल गए। तो केस चला रहा था, तो इसे चू ने कहा, जब जज ने कहा कि मैं आपको देखूंगा, अगर आप ठीक था तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, अगर आप ठीक नहीं था तो फिर हम तेरे को 10 साल सजा सुनाएंगे। मैंने बोला ठीक है सर। तो हम ठीक था, तो इस एच ओ को कहा कि ये तो ठीक बंदा है, तुमने क्यों पकड़ा है? तो इस एच ओ ने कहा कि ये पुलिस जैसा और फौजी जैसा भागे और दौड़े तो ये ठीक होगा। तो हमने, जज ने मुझे कहा, तो मैंने बोला अपनी मुद्दत की, जो जितना मुद्दत है हमारा, उनके मुनासिब में भागूंगा। तो फिर भी मैं ठीक था, तो उनके बाद जो है, तो केस मेरा वकील था, इफ्तिखार एडवोकेट था, वो केस चला रहा था हमारे लिए, हम भी तारीख पर हाजिर हो रहा था। जब वो केस फाइनल पे पहुंच गया, शहादत खत्म हो गया, तो ऑर्डर पे तैयार हो गया, तो सरकारी पीपी ने दरखास्त दे दिया कि जज साहब ये ऑर्डर नहीं सुनाना, मेरे पुलिस को खतरा है। तो मेरे वकील ने कहा कि ऑर्डर का दिन है और बंदा हाजिर है और फाइनल पे पहुंचा है, जज साहब ऑर्डर करो, अगर बंदे को रस्सा डालता है तो सामने खड़ा है, रस्सा डालो। और तो क्या ऑर्डर क्या किया? ऑर्डर उसने नहीं किया सर। फिर वो केस चला रहा था आगे आगे, केस चला रहा था मैंने, तो वकील मैंने खत्म किया। फिर जज ने मुझे कहा कि ऐसा करो कि तुमने पुलिस के ऊपर जो रिपोर्ट किया और आपके जायदाद के केस चल रहा है और उनका कोई रजिस्ट्री है। अच्छा, मुझे ये बताएं मोहम्मद जान साहब, आपके खिलाफ जो इल्जाम हैं वो दुरुस्त हैं, जो मनुष्यात का आप काम करते हैं? नहीं जी। तो किसने ये क्यों इल्जाम दिए? पुलिस की आपकी क्या दुश्मनी है? पुलिस ये जो है मेरे भाई है और वो पहुंचने वाले 4 आदमी है, वो पहुंचने वाले सियासतदानों के साथ जो है वो उठता फिरता है, तो उनके सियासतदान जो है और सरमायादार जो है उनके कहने पर पुलिस हमको पकड़ता है। क्यों पकड़ा पुलिस ने? झगड़ा किया आपका भाइयों से?
अपनी जायदाद का पूछ रहा हूँ, झगड़ा ये है सर। अच्छा, और ये मुझे नहीं देता है। अच्छा ये बताएं, तो आपने एक वकील के खिलाफ शिकायत किया, वो क्यों? ये वकील जो था ये सरकारी पुलिस हाई जी ने जो फैसला किया, और मेरे जायदाद का केस चल रहा था तो उसमें पुलिस हाई जी ने फैसला किया था अगर ये मोहम्मद जान ठीक कह रहे तो ये जायदाद उनको दे। और तो वकील ने क्या किया, वकील के खिलाफ क्या शिकायत? वकील ने मेरे भाइयों के हक में फैसला किया। वकील तो, वकील आपके भाइयों से मिल गया? हाँ उनसे मिल गया तो उनके हक में फैसला किया। अच्छा अब बताएं कि जेल के अंदर आपके साथ क्या हुआ? जेल के अंदर जो है हमारा दो दांत निकला है सर, मैं क्या बताऊं? दांत निकला? दो दांत हमारा निकला हुआ है, इन्होंने निकाला। और हम जेल के जो लंगर है खाने पकाने का, जो मैं जेल आया तो इनकी सरबरा बना दिया बामुशक्कती। तो एक मुर्गी का दिन था, मुर्गी आ गया तो उनके जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है तो उसके लिए उन्होंने मेरे को तोल करके, फिर उन्होंने तोल के बाद दो मुर्गी उठाया तो उस पर हमारा लड़ाई हो गया कि ये नहीं उठाना, ये तो मेरे हवाला किया ये तो। अच्छा अच्छा अब मुझे ये बता दें कि अभी आपके खिलाफ सजा हो गया? अभी हमारे पास हमारे खिलाफ जो सजा हुआ है वो दो केस है। कैसे दो केस हुआ है? क्या हुआ है कोर्ट अदालत में, क्या हुआ अदालत में? ये हुआ सर, जब ये केस चल रहा था तो इन्होंने रास्ता मांग रहा था और वो कागजात मांग रहा था जायदाद का। कौन मांग रहा था? जो जहूर नाम था जज, वो जज का, जज का अदालत जायदाद से क्या ताल्लुक था? वो कह रहा कि वो कागजात हमारे पास लेकर आओ, जो वकील ने खिलाफ फैसला किया था हमारा। अच्छा, वही कागजात मांग रहा था। फिर तो वो केस जो था वो खारिज हुआ, फैसला हुआ था खारिज हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने रास्ता मुझे तो तरीकाकार इनका नहीं आ रहा था, मगर जज ने समझाया कि मलाकंड कमिश्नर के पास जाओ और ये केस ले कर आओ। अच्छा आपसे तो, आपसे अदालत में कोई दस्तखत कराने की भी कोशिश की गई? अदालत में, अदालत में आपसे किसी कागज पर जबरदस्ती दस्तखत कराने की भी कोशिश की गई? जी हाँ, कागज में जो सरकारी फीपिंग हमारे ऊपर जो है हमला किया था और कागजात भी नहीं दे रहा था पुलिस ने। अदालत के अंदर हुआ ये सब कुछ? अदालत के अंदर हो रहा था? जी हाँ। अच्छा, कमरे के अंदर नहीं थे, जज के हाल में नहीं थे, जज के हाल से बाहर अदालत में हुआ रहा था। ये सरकारी वकील आपके दबाव डाल रहा था? हाँ, जो स्पंदियार नाम है उनका, उनके उसने डाला था, उसने कहा कि हमारा जो है ये वर्दी है और आपका सेवल कपड़े, आप हमारे साथ कैसे केस चलाएंगे। अच्छा ये बताएं, ये बताएं आपका वकील कौन है, किधर है, क्यों नहीं मिला वकील? मेरा मुझे कोई वकालत नहीं करते क्योंकि उसी वकील पर हमने काफी किए तो उसने अभी हमारा कोई वकालत नहीं करता है। ये दिल लोर वाला कहता है वकील और पुलिस कि दिल के दिल लोर के अंदर इनके काम हम नहीं कर रहे, और दिल लोर में कौन ऐसा होगा कि वो दाखिल होगा इनका काम करेगा। अच्छा हुआ। अभी आप बगैर वकील के आपको सजा हो गया है और अभी आपके पास अपील के लिए वकील भी कोई नहीं है? कोई नहीं है सर, ऐसे ही सजा हो गया, गैर कानूनी हमारे साथ हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है सर, क्योंकि इसका ढाई एक साल पहले ऑर्डर को तैयार हुआ और ढाई साल के बाद इन्होंने ऑर्डर किया। जी तो, हाँ चले, आपने आपको जेल के अंदर जो अमला है जो लोग हैं वो आपको वकील नहीं करके दे रहे, पुलिस की तरफ से सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं मिला? नहीं दे रहे, वो तो जेल वाले भी हमारा खिलाफ हो रहे, बार पुलिस के साथ दे रहे हैं, इनके कह रहे हैं कि हमारे साथ डीसीओ का हाथ है। अच्छा मोहम्मद जान हमारे साथ ये मौजूद है, इंसानी हकूक कमीशन का एक इदारा है जो इंसानी हकूक का तहफ़ करता है, उनके सरबरा हमारे साथ बैठा है, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान, ये चेयरमैन है इंसानी हकूक के इदारे का। तो ये आपसे कुछ अगर पूछना चाहते हैं आप इनके सवाल का जवाब दे दें। देखिए पहले तो ये कहूँगा कि जो कुछ ये कह रहे हैं वो उसे तहकीक करना पड़ेगा हमें,
और उसके लिए मैंने, आपने मुझे इसकी दे भी दिया दरख्वास्त, ठीक है, तो कल जाते ही मैं इसकी ऑर्डर करूंगा तहकीक का, या हमारा मेंबर वहां जाएगा या हम हाई कोर्ट बार से मदद लेंगे। लेकिन जो ये शिकायत कर रहा है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ आम आदमी की शिकायत है। बिल्कुल, और ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बसियार लोग हैं, चाहे आप थरपारकर में ले लें या दीर में ले लें या कराची में ले लें या जहाँ कहीं मर्जी ले लें, तो आप देखेंगे कि जब तक हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना ठीक नहीं करेंगे तो ये जस्टिस के खिलाफ जो है और जस्टिस की डिमांड जो आम लोग कर रहे हैं उसको हमें एकदम एड्रेस करना है। उसके मगर इस केस में आपने देखा कि मोहम्मद जान एक कैदी है, वो ये कहता है कि भाइयों के साथ जायदाद का झगड़ा था, पुलिस के साथ मिलके मनशियात के केसेस इसके खिलाफ पहले भी डाले गए, अभी भी डाला गया, फिर अदालत के अंदर ज़बरदस्ती इससे अंगूठे लगवाने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद जेल के अंदर इस पर तशद्दुद हुआ, फिर उसके बाद अभी इसको सज़ा सुनाई गई है तो इसके पास अपील करने के लिए वकील भी कोई नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या ये मुनासिब नहीं कि ये जो लोअर दीर का इलाका है या डिस्ट्रिक्ट मारगरा है वहाँ पे जेल की जो मजमूई सूरत हाल है और इन इलाकों में जेलों की जो मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से एक बाकायदा तहकीक होनी चाहिए जी, हम और इवन अदालतों की कारकर्दगी पर भी तहकीक होनी चाहिए वहाँ की जो अदालतें हैं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस शख्स के लिए आवाज़ उठाई है इस लेवल के ऊपर, खुदा जजा दे आपको। बात यह है कि हम इसकी तहकीक करेंगे और आपकी खिदमत में बता देंगे कि क्या हुआ है। लेकिन ये शिकायत आम है, ये इसको ठीक करना होगा, और ख़ास तौर पे अगर दीर के बारे में हम फोकस करेंगे तो फिर हमें उसके मखसूस हालात के पेश नज़र जो कि वहाँ पे सिस्टम है या उसके ऊपर हम पूरी तहकीक करके इस पे लिखेंगे भी, बताएंगे भी, आवाज़ भी बुलंद करेंगे, और जहाँ जस्टिस इसे प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है हम पूरी करने की कोशिश करें। ठीक है, आप देखें एक मोहम्मद जान जैसे कैदी ने एक ये रिस्क लिया क्योंकि जेल के अंदर से इस तरह टेलीफोन पे बात करना यकीनी तौर पे वो तवज्जो हासिल करेगा और हो सकता है पुलिस अपने इंतकामी कार्रवाई भी इसके खिलाफ कर सकती है, इसकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो इस हवाले से आपकी तरफ से फौरी कार्रवाई या रद्दअमल जो है इसको इंसाफ भी दिलवा सकता है और उसको मज़ीद नुकसान से बचा भी सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि वो जेल में है, पुलिस की वहाँ नहीं चलेगी, ठीक है, जेल वालों का काम है, मैं फ़ोन भी करके पता कर लूँ। ठीक है, अच्छा ये तो एक केस हो गया। मोहम्मद जान बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारी कोशिश है कि ये नया साल आपके लिए भी उतना ही मुबारक हो जितना दूसरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए है, और फैसले जो हैं जो भी हैं उनके खिलाफ अपील का हक होना चाहिए ताकि ये देखा जाए आला अदालतों के अंदर के नीचे जो अदालतें फैसले कर रही हैं वो कितने मायारी हैं और वो क्या वो कानून का रास्ता अपनाया गया है या नहीं और आपके इन हकूक का जो है ख्याल रखा गया है या नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जान, आपसे आइंदा फिर बात होगी। ये तो एक केस था नाज़रीन मोहम्मद जान का, ऐसे दूसरे भी बहुत से केसेस हैं। अभी हाल ही में कुछ देर अरसा पहले ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक ऐसी शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि एक गैर मुल्की शहरियत रखने वाले एक नौजवान को जो है वो लाहौर से अगवा कर लिया गया, वो लापता हो गया, और उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे अरमगान, एक नौजवान हैं जिनको हाल ही में जो है वो मिसिंग हुए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, और इल्ज़ाम और शक एक बार फिर जो है वो रियासती इदारों के ऊपर है, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर है। एक ख़त नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है और हम यही चाहेंगे जस्टिस रिटायर्ड अली नल बताई कि अदालत में उनके साथ क्या हुआ, जेल में उनके साथ क्या हुआ, और जहाँ वो लोअर दीर में रहते थे वहाँ की पुलिस ने उनके साथ क्या किया, और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें मुलज़िम और मुजरम जो भी हो उनके भी कुछ आईनी और कानूनी हकूक होते हैं जिसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, और उस बात को यकीनी बनाना रियासती इदारों की जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक और मुतासर शख्स ने हमें ज्वाइन किया है, उनका नाम है अरशद महमूद वाला। उनके 26 साल के बेटे अरमगान महमूद 7 दिसंबर को अचानक लापता हो गए, और उन्होंने एक ख़त के ज़रिए डायरेक्टर जनरल नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को ये इस खदशे का इजहार किया कि शायद उनको
انٹیلیجنس ایجنسیز یا خفیہ اداروں نے اٹھا لیا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا. 7 دسمبر کے بعد سے 26 سالہ نوجوان غائب ہے اور ان کے والدین پریشان ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ارشد محمود والا نے, نوجوان کے والد ہیں. جی والا صاحب, کچھ بتائیں گے یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ پہلی بات آپ کا سوال تھا, میں ابھی کسی کو بھی گئے نہ کسی ایجنسی کو اس کا ڈائریکٹلی تو نہیں کوئی انوالومنٹ کرتا. آپ سر شک کا اظہار کر رہے ہیں. ہاں جی, یہ چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو میں کسی ملک پہ سب سے پہلے پولیس ہوتی ہے وچ از ریسپانسبل فار مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن, اور جس کے لیول پہ ہم پورا کر رہے ہیں. میں شک ہے کہ جی آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا چیز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو واقعہ بتائیں آپ. جی واقعہ ایسا ہوا تھا کہ جی میں تو یو کے سٹیزن ہوں اور وہاں سے میں آیا ہوا تھا ہالیڈیز پہ, اور دین آئی واز اس دن مجھے اپنی ایئر ٹکٹ کے لیے کوئی ایکسٹینڈ کرانی تھی. ہم لوگ یہاں لاہور میں رہتے ہیں ڈیفینس کے پاس ہی. دین دو سوا دو کا ٹائم ہوگا, آئی ٹک میں پیسے سے ہونڈا سٹی ہمارے پاس گاڑی ہے وہ میں دونوں میں نے کہا چلو مجھے بینک بھی جانا ہے اور جسٹ ٹیک می اوور دیئر. تو وہ ہم چلے گئے کو 15 منٹ پہلے. ایک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے تو فیل وہ کینٹ میں ہے وچ از ویری سیکورٹی ایریا, آپ کو پتہ معلوم ہی ہوگا. وہاں ہم گئے ہیں, وی ڈیڈ آور کوئی فارمیلٹی تھی بینک کی میرے اکاؤنٹ کے بارے میں, 15 منٹ کے لیے ہم نے وہ دے دیتے. وہاں سے نکلے ہیں اطمینان سے, پارکنگ سے گاڑی لی ہے. پھر ساتھ ہی عبد مجید روڈ میں ایمریٹس ایئر لائن کا آفس ہے, وہاں دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ کاؤنٹر پہ گئے ہیں, کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں. وہ جو کاؤنٹر اسٹاف تھا مجھے جانتا تھا, اس سے کہا جی ٹکٹ آپ کی ایکسٹینڈ ہو جائے گی, یو نیڈ ٹو پے ان کیش 63,000. میں نے ان سے پوچھا کارڈ نہیں لے لیں گے آپ کوئی؟ انہوں نے کہا جی نہیں کارڈ سے نہیں, یو نیڈ کیش. میں نے کہا بیٹا میں تھوڑا ڈسیبل بھی ہوں, آئی ایم فیلنگ لاٹ آف پین اس وقت, تم ایسا کرو ڈائبیٹک بھی ہوں, آپ ایسا کرو جاؤ جا کے اے ٹی ایم سے پیسے لے. میرے پاس سے بیٹا جو ہے تقریباً ٹائم ہوا کوئی 3:20 کا, وہ وہاں سے نکلا ہے اور کوئی 20 منٹ میں نے اس کا انتظار کیا ہے. میں نے کہا ابھی تک اس کا نہ فون آ رہا ہے نہ واپس آیا ہے. آئی کالڈ ہم بیک 3:43 پہ میں نے ان کو کال کیا ہے اور ان نے کہا ابو راستے میں کبھی وہ سگنل 2-3 آتے ہیں راجستھان میں, ابھی بینک میں انٹر ہو. میں نے کہا چلو بیٹے جلدی آ جائے, اور انہوں نے پھر وہ بینک میں داخل ہوئے. اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ جو ہم نے کیمراز کے لیے دیکھے وہ بینک میں داخل ہوئے, وہ انہوں نے اے ٹی ایم سے پیسے نکالے ہیں وچ از جسٹ ٹرولی ایک ان کی مدد اکاؤنٹ سے نکلے ہیں وچ از جسٹ 50,000, کوئی بڑی رقم بھی نہیں ہے. میں نے اندازہ میں کہا شاید اس نے اپنے کارڈ سے 15,000 نکالے ہوں گے. وہ اکارڈنگ ٹو کیمرا ویو جو ویڈیو ہے اس کے مطابق وہ بینک کے باہر آئے ہیں اور وہاں سے جا کے وہ باہر ہے. آل آف اے سڈن ہی جسٹ رہے, اب اس میں کوئی سمجھ نہیں آتا کہ گاڑی ویسے تو پارکنگ ہے کیا, پارکنگ میں نہیں تھی, گاڑی دوسری سائڈ پہ تھی, وائی ہی رین, ہی ہیڈ لک سم بریز آن ہز فیس ایز ویل. تو بس دیٹ واز دا لاسٹ سینس جو کیمراز کے اوپر. چلیں ٹھیک ٹھیک, تو ابھی آپ نے جو خط لکھا ہے اس میں تو بظاہر فیس بک کا بھی حوالہ دیا کہ وہاں پہ شاید وہ ایک امدادی کاموں میں بھی وہ چاہ رہے تھے, ڈونیشنز اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے سیریا کے جو ریفیوجیز ہیں مہاجرین ہیں متاثرین ہیں ان کے لیے. تو آپ میں کیوں اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال میرا میں اس کو کوئی وسوخ سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن چونکہ میں نے یہ اپلیکیشن ہیومن رائٹس میں لکھی ہے, پولیس کو بھی سیم اپلیکیشن. تو یہ تمام پہلوؤں کا آپ کہتے ہیں تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے؟ جی جی, یہ تو ظاہری بات ہے, میں نے سیم اپلیکیشن ایوری کارنر پہ بھیجی ہے. یہ نہیں ہے کہ پولیس کو کوئی دوسری اپلیکیشن ہو. یہ اگر فرض کرے ایک آدمی کوئی جو ہیومن نیڈس کے اوپر یا کسی کی امداد کر رہا ہے یا کچھ کام کر رہا ہے ملک کے اندر, یا یہ ہے کہ میرے بیٹے نے تھر کے لیے جب تھر میں پرابلم آئی تھی سن میں ہی دیتے لاٹ آف, میں خود اس کو دیکھا کہ ٹرکس. اچھا ارشد صاحب, آپ جو ہیں برطانوی شہریت رکھتے ہیں آپ بھی اور آپ کا لاپتہ بیٹا بھی؟ نہیں, وہ میرا بیٹا نہیں ہے, وہ ریزیڈنٹ ہے.
जी वो रेजिडेंट है जी अभी। अच्छा वो बरतानवी शहरी नहीं है? नहीं, आप बरतानवी शहरी हैं और आपका बेटा सिर्फ रेजिडेंट है वहाँ का। चलिए ठीक, चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया अरशद महमूद वाला साहब। जी जस्टिस साहब, ये तो एक दरख्वास्त है लेकिन लापता अफराद का मामला बहुत ही संगीन है। आपके जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कानून बनाया जा रहा था तो उसमें आपको खसूसी अख्तियार दिया जा रहा था कि जो अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ जो शिकायत होंगी आप उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकते मगर वफाकी हुकूमत से जवाब ज़रूर मांग सकते हैं और 3 महीने के अंदर या उससे ज़्यादा टाइम अगर आप देना चाहें, अगर वफाकी हुकूमत जवाब देती है या नहीं देती तो आप उस जवाब को शाया करने का हक रखते हैं, पब्लिक नॉलेज में लाने का हक रखते हैं। तो इस अख्तियार के तहत अभी तक आपने लापता अफराद के कितने जो मामलात हैं उनको हल किया है कोई एक एग्जांपल के साथ? मेरी गुजारिश है जी कि हमने हमें कोई डायरेक्ट शिकायत अभी तक नहीं आई, गालिबन आगाही नहीं है, लेकिन लोग हमें शिकायत लिख सकते हैं। इसके अलावा मतलब किस पते पे अगर कोई ऐसी शिकायत ये तो? मैं अर्ज़ कर देता हूँ जी, हमारी वेबसाइट भी है लेकिन जो पता हमारा है वो है 5th फ्लोर वैक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग आगा खान रोड इस्लामाबाद। चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जी, मुझे वो जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज जी, नाम ना भी लिखें चेयरमैन कर दें तो हम उसको अपना जो मैकेनिज्म है उसको ऑपरेशन। तो ये जो सेक्शन 14 है जिसके तहत आप जवाब मांग सकते हैं, ये बड़ा पावरफुल क्लॉज है और जब शिकायत आएगी तो हम इस पर पूरी तरह भरपूर कोशिश करेंगे। बहरहाल ये मैंने देखा है कि जनरल हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के महकमे, लेकिन जब मैंने क्वेटा का कार्नेज के बारे में रिपोर्ट वगैरह मांगी है, मैं वहाँ क्वेटा खुद भी गया था वकीलों के साथ, जो सारे वकीलों के साथ हुआ, फिर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हुआ जी, उनके वो दीवार नहीं थी और वो क्यों हुआ, उनको डिले क्यों किया तो गया। आपने जब सवाल किए वफाकी सूबाई हुकूमतों से अभी तक जवाब नहीं आया और सेनेट ऑफ पाकिस्तान को मैंने यही अर्ज किया कि अभी तक हम जवाब अवेटेड है। इतनी देर में सुप्रीम कोर्ट की कमीशन जो थी उसने अपना वो सारा कर दिया और इस पे जो गवर्नमेंट का ख्याल है कि उनको उसमें राय या इजहार करने का मौका नहीं दिया गया। बहरहाल हमने तो दिया है मौका कि वो हमें रिपोर्ट अपनी देके कि क्यों वाकया हो गया। तो बजाय तो वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतें आपसे तावन नहीं कर रही, कह दीजिए अगर ऐसी नहीं, बात नहीं, है, नहीं, तो खुल नहीं, के बात इस, होनी इस, चाहिए। इस नहीं ये खुल के बात है, मतलब इस केस में तावन नहीं किया, इस केस में अभी तक जवाब ही नहीं दिया, तावन नहीं हुआ ना फिर। लेकिन हम वहाँ गए, खुद मेरी पब्लिक स्टेटमेंट भी आई है कि लैप्स है ये और बहुत बड़ा लैप्स है कि FC का दफ्तर करीब है, उसके बाद हॉस्पिटल सेंटर ऑफ द सिटी में है, पैटर्न जो है उसका है वो नोन है कि वो पहले एक आदमी पे हमला करते हैं, लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ब्लास्ट करते हैं सारा, और ये हज़ारास के साथ जो कुछ वाक़या हुआ है ये उसी तरह का पैटर्न हुआ है। तो इस पर कोई तहकीक नहीं की गई, ये ढूंढा नहीं गया कि ये पैटर्न क्योंकि एक किस्म का है तो ये कौन लोग करते हैं। तो आप क्या कहते हैं जो क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट आई है, जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज ने लिखी है, एक तरफ वो रिपोर्ट है दूसरी तरफ चौधरी निसार का एहतजाजी रद्द अमल है कि उनको सिंगल आउट किया गया, उनको सुना नहीं गया। आप समझते हैं उस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया वो दुरुस्त था और वजीर दाखिला और वजारत दाखिला का रद्द अमल जो था उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वजारत दाखिला ने तो अपने आप को डिफेंड करना है लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम जो प्रिंसिपल है कानून का वो ये है ऑडी ऑल्टरम पार्टम कि दोनों साइड्स को सुन के किया जाए। मेरा ख्याल ये होता, मैं अगर होता तो मैं ये करता कि उनको उनसे एक क्वेश्चनेयर उनको भेज नहीं, लेकिन क्वेटा कमीशन रिपोर्ट में तो ये सवालनामा भेजा गया, उसका जवाब दिए चौधरी निसार ने, तो फिर अगर दिया है जवाब जवाब हुए फिर ओपिनियन अगर आ गया है तो फिर उसके ऊपर इतराज करना मेरा ख्याल है ठीक नहीं। अगर ओपिनियन नहीं आया उन चीज़ों के ऊपर तो फिर जायज़ है बात, क्योंकि उनका भी हक है कि उन्हें सुना जाए गवर्नमेंट को। तो जो क्वेटा कमीशन रिपोर्ट में जो है जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है शिद्दत पसंद तंजीमों के किरदार के हवाले से और फिर वजारत दाखिला की बज़ाहिर खामोशी के हवाले से, आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में इंसानी हकूक के लिए सूरत हाल गंभीर होती जा रही है खासकर बलूचिस्तान जैसे? देखें अगर सच्ची बात तो ये है कि ये कम हुई है शिद्दत इसकी ओवरऑल, इससे पहले बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, लेकिन जो
ادارے ہیں یا گورنمنٹ ہے یا کیا اس کا کام ہے کہ لوگوں کا جان و مال کا تحفظ کرے اور وہ سٹیپس لے اور امیجیٹ سٹیپس لے جس سے یہ سارا کنٹرول ہو سکتی ہیں چیزیں. مثلا کیا سٹیپ نہیں لیے جا رہے جو ابھی تک لاپتہ افراد کے معاملے پر؟ دیکھیے لاپتہ افراد کے معاملے کے اوپر جو ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں وہ تو وہ کمیشن والے ہی کر سکتے ہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ اپنے ملک میں لوگ ڈسپیئر ہو جائیں. اور سینیٹ کے سامنے جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ مسخ شدہ لاشیں لوگوں کی جو مل رہی ہیں تو یہ لوگ کون ہیں؟ کیا وہی لوگ ہیں جو ڈسپیئر ہو گئے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں؟ تو اس کی کمپیریزن نہیں ہوئی, ایف آئی آرز نہیں درج. یہ آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں پہ جو مسخ شدہ لاشیں جی جی اچھا. اور اس کے ساتھ ایف آئی آرز کہاں ہیں؟ سینیٹ نے مانگی ہے ایف آئی آرز کہ آپ سب کی ایف آئی آرز دیں کہ یہ کون لوگ ہیں, کیونکہ ایف آئی آر لکھنا اور 173 کی رپورٹ ہم اسے کہتے ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ میں, وہ دینا ہر اس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں وہاں پہ ان کی لاشوں کی شناخت نہیں کی جا رہی, نہ ہی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہو رہے, ایف آئی آریں نہیں کاٹی جا رہی, اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس سارے عمل میں رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ بیسکلی تو پروونشل گورنمنٹ, کیونکہ لا اینڈ آرڈر ان کے پاس ہے اور پھر اس کے بعد ان کا فرض ہے بتانا کہ کیا اس میں ایف سی کا بھی کوئی دخل ہے یا نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پہ تو پروونشل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو دیکھے, اور اس پولیس کا فرض ہے جو کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے تحت ہے کہ وہ 173 کی رپورٹ ہر ایک لاش کے بارے میں لکھے اور بتائے کہ کیا وجہ ہوئی, اور پھر ڈی این اے ٹیسٹ کے اگر ان کے پاس نہیں ہے کیپیسٹی تو کسی اور پروونس سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں جو پروونسز انہیں دیں گی. لیکن یہ بات کہ ان کو پھر مسخ شدہ لاشوں کو دفن کر دیا جاتا ہے, نہ پتہ یہ کیوں ہے, کون ہے, اس کی تحقیق وغیرہ نہیں ہوتی. وہ لاپتہ افراد میں شامل ہے نہیں ہے؟ جی بہت سے ایسے لاپتہ افراد. اور دوسری بات ہے کہ ٹھیک ہے بعض لوگ اینٹی اسٹیٹ ہیں, ان کے خلاف اگر وہ کاروائی کرتے ہیں تو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, عدالت میں پیش کریں, عدالت میں پیش کریں یا ایک سسٹم کے تحت اسے لے کے جائیں, اس میں شائع ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اینٹی اسٹیٹ از اینٹی اسٹیٹ. اب دیکھیں وہ جو اور پھر جو اسٹیٹمنٹس بہت سارے دیے جاتے ہیں وہ کریڈیبلٹی سے کور نہیں ہوتی چیز میں کریڈیبلٹی, کیونکہ آپ دیکھ لیں وہ جو مسعود مارا گیا تھا اس کے بارے میں پہلے اسٹیٹمنٹ آتی رہی کیا کیا, پھر بعد میں بیت اللہ مسعود کے بارے جی ہاں جو کوئٹہ میں ہوا, کوئٹہ میں جو ابھی حال ہی میں, لیکن بعد میں پھر ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ ہاں وہاں ہی مارا گیا, تو پہلے کیا ضرورت ہے غلط کہنے کی؟ وہ اگر مارا گیا ہے تو ٹھیک ہے مارا گیا ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس کے لیے دیر از نو لو لاسٹ. دا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ بھائی آپ سچ تو بتائیں, کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور کسی ملک کے لیے یہ ضروری ہے, کسی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ایک سٹیٹمنٹ دے تو اس کے اوپر اعتبار کیا. ٹھیک ہے, ابھی حال ہی میں واحد بلوچ نامی ایک شخص بھی لاپتہ ہوا اور پھر کچھ عرصے بعد وہ واپس گھر بھی پہنچ گیا, یہ اس میں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی دلچسپی لی اور کچھ کاروائی کی تھی, اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں جی؟ اس کے کوئی ڈیٹیلز ہمیں نہیں آئے, غالباً اس نے بھی اجتناب کیا ہے بتانے میں کہ کیا اس کے ساتھ واقعہ ہوا, کیونکہ یہ کوشچن مکسڈ ہیں, بعض لوگ ڈسپیئر خود ہو جاتے ہیں, بعض لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, بعض لوگوں کو ان کے دشمن لے جاتے ہیں اور وہ ڈر کے مارے بتا. واحد بلوچ کا بھی ویسا ہی کیس ہے, جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ برآمد ہو گیا آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے پرسیو نہیں کی چیز کوئی فردر. اس نے نہیں کی تو کیا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے؟ نہیں, ہمیں کمیشن اور کیا اداروں اور پولیس کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا تو چاہیے, یہ تو کیوں نہیں کر پاتے؟ آپ کے خیال میں کس کا خوف ہے, کس کا ڈر ہے؟ شاید واحد بلوچ اس میں بہتری سمجھتے ہوں گے اور وہ انہوں نے ہی بتانا ہے سارا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا, اور پولیس کا کام ہے یہ دیکھیں کہ وہ ڈسپیئرڈ کیوں ہوئے اور کیا وہ جان بوجھ کے ہوئے. ابھی اب تک کیا ہماری خفیہ ایجنسیاں لاپتہ افراد کے معاملے میں ملوث ہیں کسی حد تک؟ دیکھیں دنیا ساری میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی حفاظت کریں, لیکن ہر چیز ایک سسٹم کے تحت ہوتی ہے, اور جب ایک ملک میں قانون ہے کہ انہیں پروڈیوس کیا جائے کورٹس میں اور اس کے بعد ان کا ریمانڈ ایک طریقے سے لیا جائے, تو اس قانون کو توڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ اصل جنگ کیا ہے پاکستان میں؟ اصل جنگ یہ ہے کہ ہم بیلنس ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی تھرسٹ جو ہے ایبسلیوٹ پاور کی اور انسانی حقوق
जो कि इनवॉयलेबल है, ठीक है। ये जो बैलेंस है ये गवर्नमेंट को चाहिए मेंटेन रखना, बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकली नवाज चौहान साहब। जैसे साहब, लापता अफराद के मामले से ही जुड़ा है फौजी अदालतों का मामला, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में इतना बड़ा सानहा हुआ, उसके बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, आइन में 21वीं तरमीम के ज़रिए फौजी अदालतों को मुतारफ़ कराया गया, इसलिए कि जो आम अदालती निज़ाम था वो नाकाम हो चुका था दहशतगर्दों को सज़ाएँ सुनाने में, और फिर हज़ारों के हिसाब से कैदी जो थे, जो सज़ाए मौत जिनको सुना दी गई थी, उस सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो अब फिर जबकि 2 साल का वो अरसा गुजर गया है, आइन में फौजी अदालतें 2 साल के लिए बनाई गई थी, तो अब फिर बात हो रही है फौजी अदालतों के क्याम में तोसी देने की। अब एक कानून तजवीज़ किया जा रहा है जिसके तहत फौजी अदालतों को काम करने की इजाज़त होगी। बतौर चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में फौजी अदालतें होनी चाहिए, और अगर ये हैं तो क्या ये इंसानी हकूक के मुनाफी होंगी या नहीं, आपकी क्या वाज़ेह राय है? देखिए, अर्ज ये है कि फौजी अदालतों के क्याम की जस्टिफिकेशन और 21 जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इस बात पे जस्टिफाई किया जा रहा था कि सनसेट क्लॉज इसमें है कि 7 जनवरी 2017 को ये ख़त्म हो जाएंगी और नॉर्मल कोर्ट्स फंक्शन करेंगी, और ठीक है उससे बेहतरी उस वजह से आई है या ज़रब अज़ब से आई है या जनरली हुकूमत की कोशिशों से आई है, ये दुरुस्त है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स को एक परमानेंट फीचर बनाना मेरा ख्याल है कि हमारा जो आईन है उसके रूह के ख़िलाफ़ होगा। इमरजेंसी में तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना ये फ़र्ज़ है स्टेट का, और दुनिया सारी में जो मुअज़्ज़ब कौमें हैं वो बजाय स्पेशल कोर्ट्स के या ख़ास किस्म के कोर्ट्स के वो यूनिक कोर्ट सिस्टम में बिलीव करती हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बने, फलानी चीज़ हुई लेकिन उनके खिलाफ शिकायत है कि जी वो जो है फाल नहीं है या उन्होंने पूरी तरह इस पर अमल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि सुपरवाइजरी कैपेसिटी जो है हाई कोर्ट्स की वो कम हो जाती है जब स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं, क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आएंगे और उनके ऊपर जो देखभाल है या विजिल है वो कम हो जाता है। तो एक अब जो सेशन कोर्ट्स रेगुलर हैं उनके ऊपर हाई कोर्ट चेक करता है, जजेस इंस्पेक्ट करते हैं, शिकायत होती है, लेकिन वो फिर हट जाते हैं मेन ट्रैक से। तो मेरा ख्याल है स्पेशल कोर्ट्स वगैरह जो है इसका ट्रेंड हमारे मुल्क में ख़त्म होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए और देखना चाहिए इसमें क्या खामियाँ हैं। देखिए, 275 केसेस मिलिट्री कोर्ट्स को गए जिसमें से 161 केसेस डिसाइड हुए, अब लोगों को सज़ाएँ इसमें मिली, लेकिन एक आम मैंने सुना है पब्लिक में, खुद भी सेमिनार्स में मैंने सुना है लोगों को, अहम लोगों को जिसमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, कि हमें ये पता नहीं ये कौन लोग थे, ये क्यों पकड़े गए, दहशतगर्द भी थे, दहशतगर्द भी थे, या एक शिकायत है पब्लिक की। पब्लिक चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। हमने एज नेशनल कमीशन ये प्रपोज किया था कि देखिए आप हमें ऑब्जर्वर रखें ताकि कम अज़ कम हम ये देख सकें ड्यू प्रोसेस फॉलो हुई है या नहीं, और ये कौन बंदा है जो मिलिट्री कोर्ट्स के साथ, तहरीरी तौर पे स्टेटमेंट्स आए हैं, तहरीरी तौर पे हमने लिख के दिया है, क्या जवाब दिया? उसका कोई जवाब नहीं आया, ना ही हमें मुकर्रर किया गया, लेकिन क्वेश्चन ये था कि असल बात तो जस्टिस की है और फिर एक जुडिशल सिस्टम को और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने की है, उसमें इंडक्शन ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो मुहिब वतन हो, अल्ट्रुइज्म में यकीन रखते हों और जिनका दामन साफ हो, और उनके बारे में ये हो ज़रूर कि वो बड़े इंडिपेंडेंट लोग हैं और उस इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व किया जाए। तो ये दुरुस्त है कि बाज़ लोग कहते हैं जी ख़तरा है हमें जान का, तो देखें इटली में और बाकी जगह पे ऐसे कोर्ट्स बने थे जिसमें जजेस के शक्ल नहीं देख सकते थे आप, तो ऐसे तरीके हो सकते हैं और उनके सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड स्पेशल कोर्ट्स, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स वगैरह जो हैं ये मेरा ख्याल है जस्टिस सिस्टम में ठीक चीज़ नहीं है, ठीक चीज़ नहीं है, आप कहते हैं कि यूनिक। और फिर एक और भी अर्ज मैं कर दूँ, मैं तो यहाँ तक दरख्वास्त करूँगा एक अदने शहरी की हैसियत से कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी एज अ फुल कोर्ट बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेज हैं
उनके डाइवर्सिटी आ जाती है व्यूज में, रूल ऑफ लॉ जो है उस वो उससे इफेक्ट होता है, और रूल ऑफ लॉ जो है वो आपको उसमें वो स्टेडफास्टनेस नहीं नज़र आती जो कि होगी जब सुप्रीम कोर्ट एज अ फुल कोर्ट बैठेगा। नए चीफ जस्टिस साहब को मैं मुबारक देता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ उनसे कि देखिए वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं कि वो फुल कोर्ट सिस्टम वाला ले आए। अमेरिका में फुल कोर्ट बैठता है दुनिया सारी, मैं खुद चीफ जस्टिस था एक मुल्क का, तो हम फुल कोर्ट बैठे थे। यहाँ 20 लाख मुकदमात हमारी अदालतों में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 20,000 मुकदमात से ज्यादा पेंडिंग है, तो फुल कोर्ट बैठ के जैसे मुकदमात जान साहब, इसलिए मुकदमात ज्यादा हैं कि जो लॉ है वो सेटल्ड नहीं है। अगर लॉ कभी वो डिक्टेटर्स के हक में दे देते हैं फैसला, अभी इन फौजी अदालतों के हक में फैसला दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, चले वो तो मुझे नहीं पता फैक्ट्स का, लेकिन मेरी अर्ज ये है कि फुल कोर्ट जब बैठेगा तो इतने जजेस की ताकत होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो काम आईन में तरमीम के जरिए फौजी अदालतें कायम की गई थी 2 साल के लिए, अब वही चीज सादा कानून के जरिए फौजी अदालतों को जो अख्तियार दिया जा रहा है, तो आप समझते हैं ये मुनासिब है? क्या उस कानून को चैलेंज किया जा सकेगा एज ए? जी मेरा ख्याल है कि ये तजाद होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तजाद होगा, क्योंकि वजह यह है कि एक रेगुलर कोर्ट सिस्टम होना चाहिए ना, जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन के दफात में मौजूद है, जो सिस्टम कायम है ट्राइकोटमी ऑफ पावर का, उसको 2 साल में बेहतर क्यों नहीं किया गया? करना चाहिए था। और ये जुडिशियल अकेडमीज किस लिए बनी है? केस मैनेजमेंट करने के लिए? क्या ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्रियां भी बनी हुई है, ह्यूमन राइट्स के कमीशन भी बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो पावर भी, ह्यूमन राइट्स के केसेस भी सुनती है, और फिर फौजी अदालतें भी बना रहे हैं आप। ये सारी तजाद है ना, ये क्योटिक है। नहीं सर, क्योस है, ये इस तरह नहीं चलते मुल्क के जी आप वो भी बनाए। और बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का पैटर्न है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ट्राइकोटमी ऑफ पावर में है, उसमें ये है कि अदालतें इंडिपेंडेंट होंगी। तो यहाँ तो फिर अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट को क्यों समझ नहीं आई है, उन्होंने क्यों फौजी अदालतों में, मैं उसके ऊपर कोई कुछ नहीं, नो कमेंट्स नहीं दे सकता। लेकिन अब जो वो सनसेट क्लॉज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आई है, तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर एक क्रीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। लेकिन अभी तो पार्लियामेंट को देखना होगा ना, आप तो सिंपल मेजोरिटी। नहीं सर, पार्लियामेंट को देखना होगा कि वो ऐसा लॉ बनाए जिसमें सेफ गार्ड हो सके राइट्स के, और वो बैलेंस जो कि स्टेट एब्सोल्यूट पावर का है और अवाम के इनवायलेबल राइट्स का वो है, नहीं तो आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन दुरुस्त है, हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो टाइमली चीज ठीक थी, लेकिन यू कांट मेक इट अ परमानेंट फीचर। अच्छा सर, ब्लास्फेमी ला, तोहीन रसालत का जो कानून है, उस हवाले से भी काफी हमें बातें और बयान सुनने को मिलते हैं। एक गवर्नर, साबिक गवर्नर सलमान तासीर साहब भी कत्ल हो गए इसी हवाले से, बयानात के हवाले से। तो आप नहीं समझते कि इस कानून पर नज़रसानी की ज़रूरत है? आपकी क्या राय है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या तहकीक है? जनाब, जो पहली जजमेंट हाई कोर्ट में दी गई वो मेरी जजमेंट थी 2002 में महबूब केस, तो उस वक्त भी मैंने इब्ने तामिया और बाकी लोगों के हवाले से कहा कि रिपेंटेंस या माफ़ कर देना एक तरीका था जो रसूलुल्लाह सल्लम ने खुद भी अडॉप्ट किया था, और इस ट्रेडिशन जो है हमारे महबूब की, वो जो है उसके ऊपर गौर किया जाए। बहरहाल एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये हुई कि मेरे जजमेंट के बाद कानून में कुछ तब्दीलियां लाई गई। एक तो ये तब्दीली लाई गई कि इन्वेस्टिगेशन एक लेवल पे होगी, क्योंकि हम उस वक्त प्रोसीजरल तब्दीलियां, सजा में कोई तब्दीली नहीं, सजा में तब्दीली नहीं, क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट के पास जब ये मामला गया था तो वो डेथ सेंटेंस उन्होंने की, लेकिन रिपेंटेंस के ऊपर कोई मुझे इतला है वो प्रॉपर यानी बहस नहीं हुई रिपेंटेंस के ऊपर या माफ कर देना। रिपेंटेंस से मुराद ये है कि अफसोस का इजहार, नहीं कोई इजहार, शर्मसारी का इजहार नहीं, और उसके बाद माफ कर दे। रसूल अल्लाह ने खुद माफ किया लोगों को, और इब्ने तामिया ने इसकी सपोर्ट की है, और कई हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनने इसकी। तो गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई संजीदा? नहीं, हमने सेनेट में, मैंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें मैंने ये अर्ज किया है। उसके बाद इससे पहले भी, बहुत मुद्दत पहले भी एक रिपोर्ट थी सेनेट की जो कि इस ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर थी, लेकिन वो गुम ही रही रिपोर्ट। लेकिन अभी सुना है वो मिल रही है रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट चलें ठीक। लेकिन प्रोसीजरल लॉ में
इसे स्ट्रिंजेंट बनाना बड़ा जरूरी है क्योंकि अब्यूज हो रहा है लॉ। ठीक है, हम तो जुरत ही नहीं कर सकते ब्लैस्फेमी कमिट करने में। लेकिन याद रखिएगा कि ब्लैस्फेमी लॉ आया क्रिश्चियनिटी से है, हमारे यहाँ अपोस्टेसी है, मुर्तद होना, तो उसका तो बात डिफरेंट है। लेकिन कोई आदमी पाकिस्तान का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, क्विकली आखिर में ये बता दें कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके पास पिछले 6 महीनों में जो हमें बताया गया है कुल 470 शिकायत आई हैं जुलाई से दिसंबर 2016, और उसमें से 10 से ज़ायद शिकायत लापता अफराद की हैं, और 65 जो हैं उसमें जो शामिल हैं वो सुमोटो हैं, और 70 के करीब शिकायत का अजाला किया गया है। आपके कारकर्दगी जो है इदारे की कैसे देखते हैं आप, और इसकी रिपोर्ट कब आ रही है, क्योंकि कानून के तहत आप रिपोर्ट भी पेश करने के पाबंद हैं। जी, हम नया अदारा हैं और हमें टीदिंग ट्रबल्स उसी तरह हुई हैं जो किसी नए अदारे को होती हैं, जिसमें फाइनेंशियल अटोनमी और फिर फाइनेंसेस की प्रोविज़न और उसके बाद स्टाफ की कमी, हत्या के एक साल तक तो हमारे पास दफ्तर भी नहीं था और हम मांगे हुए एक जगह पे बैठे हुए थे जो कि मिनिस्ट्री ने हमें दी थी। अब अर्ज यह है कि अब हमें दफ्तर मिल गया है, स्टाफ हम पूरा कर रहे हैं और पूरी तरह ऑपरेशनल हो रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है, ये केसेस ऑनगोइंग केसेस हैं क्योंकि ये इतना लंबा अरसा नहीं हुआ। जब तो रिपोर्ट कब आ रही है आपकी? हमारी रिपोर्ट जो है, उम्मीद है कि जनवरी के आखिर तक वो रिपोर्ट जो है वो मुरतब हो रही है, जनवरी के आखिर तक हम अपनी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कोई आप सिफारिशात कर रहे हैं, खास सिफारिश जो आप समझते हैं लापता अफराद के मामले के हवाले से? जी, हम ब्लैस्फेमी भी, ऑनर किलिंग भी, माइनॉरिटीज़ के बारे में भी जिस तरह वाकया हो रहे हैं इधर उधर, उसके बाद लेबर के बारे में भी हम कह रहे हैं कि 1926 के लॉ जो था जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब का भी दखल है, वो भी ट्रेड यूनियन का वो आप रेकमेंड कर रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं कि वो कहाँ चला गया। आज ट्रेड यूनियंस की जो तादाद है वो बहुत कम हो गई। अच्छा, क्विकली ये बताएं कि आपका रब्ता, फिर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपका मामला है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, साइबर लॉ के ऊपर और ये सारी चीजों के ऊपर आप अपनी राय दे रहे हैं, और फिर ये हम ये भी राइट्स ऑफ चाइल्ड के ऊपर भी दे रहे हैं। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आप देखें, एक बच्ची किस कदर जख्मी हुई है। अच्छा, और यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं, लाम हैं, नहीं, और वो काम नहीं है। मगर एनीवे, ये बताएं कि आपका लापता अफराद से मुतल्लिक जो जस्टिस जावेद इकबाल का कमीशन है उससे या लॉ कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई रब्ता, कोई कोऑर्डिनेशन है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है मिसिंग पर्सन के, उनको हमने 2-3 खत लिखे हैं, अर्ज़ की है इंफॉर्मेशन के लिए, किनको? जावेद इकबाल साहब को, लेकिन अभी तक हमें नहीं आई। शायद मतलब वो भी आपसे तावन नहीं कर, नहीं तावन नहीं मैं कहूँगा इस तरह। अच्छा, लॉ कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई रब्ता आपका, जो कानून साजी रेकमेंड करते हैं? उनका उनके साथ पिछले दिनों में मोहतसिब साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अच्छा, जिसमें कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में है, कोई इदारे के लेवल इदारे का नहीं है, परमानेंट कोई रब्ता नहीं, लेकिन हम चाहेंगे उनके साथ कर। चल, लेकिन बहुत शुक्रिया। हायर कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, एजुकेशन कमीशन के साथ हमारा प्रॉपर हो गया और हम एजुकेशन में हुकूक से मुतालिक तालीम और करिकुलम और निसाब में जी हम तब्दीली लाएंगे क्योंकि वही बुनियाद है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि 27 कन्वेंशन जो है जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है वो इनको इम्प्लीमेंट करे लेटर एंड स्पिरिट में, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जीएसपी प्लस वगैरह सारी जो बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक, वो इनसे मुंसलिक हैं। चलें, ठीक है, ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए हमें अपने इंसानी हकूक का तहफ़ करना पड़ रहा है। यकीनी तौर पे ये इंसानी हकूक हैं और मालियाती मामलात भी जो हैं उनका इंसानी हकूक से गहरा ताल्लुक होता है, चाहे इंसान हों या ममालिक हों या हुकूमतें हों। अपने अपने गिरबान से इतना ही, मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।